नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिगो और DGCA ने कुछ निर्देश दिए हैं इंडिगो को इसके बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट्स आप इस चैनल से मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कुछ इस प्रकार की है कि DGCA ने इंडिगो को कहा है कि आपको अपनी दिल्ली से इस्तांबुल जाने वाली फ्लाइटों को खाली रखना है 15 से 20%, यानी वेस्टर्न लीज के समय में आपको ये बातें फॉलो करनी है। इसी के बाद इस सलाह को मानते हुए इंडिगो ने अपनी एक फ्लाइट में अपने पैसेंजरों का सामान ले जाने में विफल रहे, जिसके बाद इंडिगो के बारे में काफ़ी बातें हो रही थी। आपको बता दें, DGCA के अधिकारी ने कहा कि ये निर्देश केवल वेस्टर्न लीज समय के लिए जारी किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्टर्न लीज एक समय होता है जहाँ पर कि काफ़ी तेज़ हवाएँ चलती हैं, और उन्होंने कहा कि उड़ानों में अधिक ईंधन की खपत होती है, यानी जो वेस्टर्न लीज के समय में जो हवाएं होती हैं इनके कारण जो उड़ानें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ईंधन की खपत होती है, और सिक्योरिटी रीज़न के कारण जो प्लेन की क्षमता है उससे करीब 15 से 20% अगर खाली रखा जाए तो ही अच्छा होगा यात्रियों के लिए और एयरलाइन कंपनियों के लिए भी। इंडिगो इस साल अपनी दिल्ली इस्तांबुल फ्लाइट को शुरू किया है, और इस मार्ग पर उन्होंने A320 विमान और A321 विमान का संचालन इंडिगो करती है। और आपको एक बात और बता दूं कि वेस्टर्न लीज के बारे में अगर आपको डिटेल में बताऊं तो वेस्टर्न लीज ये हवाएं होती हैं कुछ टाइप की, यानी इसमें 30 से 60 डिग्री तक हवाएं बहती हैं, सर्दियों के मौसम में ये ज़्यादा बहती हैं। तो ये है अभी तक की अपडेट, और ऐसी और अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। ये मेरा